और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बात करते हैं आज के टेक्नो अपडेट्स की। कोविड 19 महामारी के वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन ऐप लॉन्च करने की बात कही है, लेकिन ऐप की ऑफिशियल लॉन्चिंग से पहले ही गूगल प्ले स्टोर पर कोविन नाम के कई ऐप्स दिख रहे होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद कोविन ऐप्स की डाउनलोड ना करें, ये फर्जी ऐप्स हैं जो आपकी पर्सनल जानकारी चोरी कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सरकार ने फिलहाल ऑफिशियल कोविन ऐप लॉन्च नहीं किया है। एसएमएस नाम के किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें, ऐप लॉन्च करते समय इसकी जानकारी दी जाएगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप तैयार किया है। इसकी मदद से वैक्सीन डिलीवर की रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। ऐप के जरिए सरकार वैक्सीनेशन करा चुके लोगों का डेटा सुरक्षित रख पाएंगी। इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। कोविन इवन वैक्सीन इंटरनेशनल नेटवर्क का अपग्रेड वर्जन है। एप्लीकेशन का काम पूरा होने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर यूजर्स को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। 12 भाषाओं में भेजे जाएंगे वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे लोगों को जानकारी देने के लिए 12 भाषाओं में एसएमएस भेजे जाएंगे। वैक्सीन लगवा कर एक क्यूआर कोड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसे मोबाइल में स्टोर करके रखा जा सकता है। क्यूआर कोड बेस्ट सर्टिफिकेट को स्टोर करने के लिए सरकार ने डॉक्यूमेंट स्टोरेज ऐप डिजिकॉलर को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके साथ 24x7 की सुविधा भी मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि कोरोना वैक्सीन लोगों को 3 फेज में लगाई जाएगी। इनमें पहले फेज में सभी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। दूसरे फेज में आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग शामिल हैं। आखिर में गंभीर स्थिति वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल फ्रंटलाइन वर्कर्स का डाटा कोविन ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ऐप के सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए अलग अलग स्तर पर कई बार रिहर्सल की है। 700 जिले में 90,000 से ज्यादा लोगों को सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ ही आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।